बिहार के गया में पितृपक्ष में पिंडदान शुरू हो गई है। धार्मिक नगरी गया जी में त्रिपक्षी कर्मकांड करने वाले पिंडदानी फल्गु नदी में पहला पिंडदान करते हैं। सूर्य की लालिमा जैसे ही फल्गु नदी के जल पर पड़ती है, पिंडदानी फल्गु नदी में स्नान करके पितरों को फल्गु के जल से तर्पण कर त्रिपक्षी कर्मकांड की शुरुआत करते हैं। पितृपक्ष के प्रथम दिन यानी पूर्णिमा तिथि को फाल्गुनी नदी तीर्थ में स्नान तर्पण और नदी तट पर खीर के पिंड से फल्गु श्राद्ध करने का विधान है। जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई है उनका श्राद्ध इस दिन करना चाहिए। फल्गु नदी में काला तिल के साथ और फल्गु नदी के जल से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वंशज या संतान के लिए यह पल काफी भावुक होता है। उनके आंसू जब फल्गु नदी में गिरती है तो पितृ को ऋण से मुक्ति मिलती है। फल्गु नदी को पंचतीर्थ नदी कहा जाता है। फल्गु नदी पांच नदियों के संगम से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मणी घाट के पंडित अजय कुमार पांडे ने बताया कि फल्गु नदी देश की सभी नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र है। फल्गु नदी सतयुग सतत सलीला प्रवाहित होता था, लेकिन एक वाक्या इस नदी को श्रापित कर दिया। मेरा नाम अजय कुमार पांडे हुआ, माला ब्राह्मणी घाट, हम ब्राह्मण हुए और यहाँ कर्म की विधानता है। ये ब्राह्मणी घाट में फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि पिंडदान फल्गु का स्टार्ट होती है, जो कल से स्टार्ट होगी, मतलब कल हो गया तारीख आपका 18 से फल्गु का स्टार्ट होगा। पहले स्टार्ट फल्गु से होती है, उसके बाद जाइए प्रेसशिला वगैरह, प्रेसशिला रामशिला क्या कहते हैं कि कागबली, ये वो पुनपुन के बाद फल्गु का स्टार्ट होता है। ब्राह्मणी घाट स्टार्ट स्नान करने के बाद तर्पण, पहले तर्पण होती है, तर्पण करने के बाद पिंडदान का महत्व है। दिन जो है जौ के आटे वगैरह से लोग करते हैं, हाँ जौ के आटे वगैरह का पिंडदान करते हैं, समझ गए। और ऐसे बगल में गायत्री घाट है, इन्हीं के सटे हुए जो नाना नानी का स्थान बनाया हुआ है, जैसे अक्षय वट, माता सीता ने यहाँ रामचंद्र जी जब जग करने आए तो रामचंद्र जी जग करने आए तो लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़ दिए सीता कुंड के पास। तो उन्होंने बोला कि भगवान एक भविष्यवाणी हुई, बगल में सीता कुंड है विष्णुपद के जस्ट उस पार, तो सीता कुंड में आए। और क्योंकि विष्णुपद के पास में ही ये सब जितने हैं पिंडदान का सामग्री मिलती थी, ये जितने भी जो देखते थे चौक वगैरह जितना देखना है सब ये जंगल थी, वहाँ आए रामचंद्र जी श्राद्ध करने के लिए तो चले गए पिंडदान के समय। उसी बीच में भविष्यवाणी हुई, दशरथ जी ने भविष्यवाणी किया कि आप जो है से बेटी मुझे पिंड दो। बोले कौन है महाराज? उन्होंने बोला कि जो है से हम राजा दशरथ हैं। बोले कि जो है से आप, मेरे पास तो कुछ नहीं है पिताश्री करने के लिए। उन्होंने बोला बेटी जो भी आप मुझे दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि बालू का पिंडा दे दिया, उसमें गौ को और ब्राह्मण को, कचकी को, फूल को, तुलसी को, अक्षयवट को हैं साक्षी बनाए, जिसमें फल्गु ने भी झूठ बोल दिया, ब्राह्मण भी झूठ बोल दिए, सबको श्रापित कर दिए। इसमें तीन धारा बहती थी फल्गु में, दूध का और मध का और जल का। अब यह गुप्त गंगा हो गई है, किसी दिन भी मई हो जून हो जुलाई खोदेंगे पानी, अंदर से पानी आ जाएगी फल्गु से, ऊपर से पानी नहीं रहेगी, नीचे खोदेंगे कभी भी पानी खत्म होगी। ये हाँ सीता माता का पानी निकल जाएगी, थोड़ा डीप में जाएगी गहराई में, क्योंकि भाई इसी यही फल्गु माता सबको जल पिलाते हैं, तो जल पिलाते हैं तो थोड़ा डीप में चली जाती है, करीब करीब 8 फीट 7 फीट पर चली जाती है। लेकिन आप खोदेंगे अंदर, छठ वगैरह में अगर पानी नहीं मिलती है तो नदी को खोदा जाता है, और खोदने के बाद जो है पानी मिलती है तो उसमें लोग अर्घ देते हैं। अगर पानी नहीं रहा तो, अगर रहें फल्गु में तो सब फल्गु का देते हैं।